जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज पनीर मसाला पराठा बनाने वाले हैं। ये पराठा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, झटपट आसानी से बनकर तैयार भी हो जाता है और स्टफिंग भी इजीली हम भर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ धनिया पत्ती ली है करीब 1 चम्मच जितना, और करीब बारीक प्याज लिया है कट कर 2 चम्मच जितना, और आधा टीस्पून जितनी तीखी वाली हरी मिर्च ली है, और साथ ही हम यहाँ पनीर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पनीर को प्याज में और धनिया में अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। मैं यहाँ घर का बनाया पनीर मैंने लिया है, आप चाहो तो बाजार का भी ले सकते हो। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून जितना साबुत जीरा ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मसालों को पनीर के साथ अच्छी तरह से हमें यहाँ मिक्स करना है। थोड़ा प्रेशर देते हुए मिक्स करना है। गोला वाले ऐसा मिक्सर हमें चाहिए। तो तैयार हो गया है स्टफिंग। अब मैंने नॉर्मल जो हम पराठे या रोटी में जो आटा लेते हैं वो मैंने पहले से यहाँ गूंथ कर रख दिया था, और इसको ऐसे कटोरी से अपने पहले ला देंगे, कटोरी से जितना आकार दे देंगे, और उसके बाद इसमें ट्रफिंग ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फिंगर की मदद से फोल्ड करना है, तो मैंने फोल्ड कर दिया। अब गोला बनाने के और थोड़ा सा सूखा आटा इस पर ऐड कर देंगे, और पहले फिंगर और हथेली की मदद से इसे प्रेशर देते हुए थोड़ा बड़ा साइड का कर लेंगे। फिर इसे बड़ा साइड का करने के बाद हल्के हाथ से बेलन से उसे बेल लेंगे। तो देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया है। इससे मैं दूसरा बना लेती हूँ। दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरी ओल्ड वीडियो भी देखिएगा। जो मेरी ओल्ड वीडियो भी है उसमें भी मैंने कई सारी ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो घर के किचन में रखे गए सामान से आसानी से इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो ये पराठा मैंने बेल लिया है, अब हम उसे सेक लेते हैं। यहाँ मैंने तो अभी गर्म करने के लिए रख दिया था, वो पराठा भी सेक रही हूँ। देखिए ऐसे मीडियम आंच की फ्लेम पर हमें पराठे को सेकना है। दोनों साइड से थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद उसमें थोड़ा सा हम यहाँ ऑयल लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ बटर भी लगा सकते हो या घी भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ मूंगफली का तेल लिया है वो उसमें लगा देंगे। तो ये पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन से गांव से आप देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।